हेलो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड आइंस्टाइन की इक्वेशन, और दूसरा पार्ट है डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। तो हर साल नीट और AIPMT के जो भी पेपर्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट हर साल दो क्वेश्चन आते हैं, एक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन यूज़ होती है और दूसरे क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें यूज़ करनी होती है। तो मैंने दोनों पार्ट के क्वेश्चंस को अलग अलग छांट लिया है और इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नीट एंड AIPMT पेपर्स ऑफ द ईयर 2013 ऑनवर्ड्स। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जहां पर और भी बहुत सारा कंटेंट मौजूद है। तो हमारी ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट अस नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा और उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है आइंस्टाइन्स इक्वेशन उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसको किस किस तरीके से हम लिखते हैं ये हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप शुरू का पार्ट स्किप करके सीधा फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप ध्यान से इस डिस्कशन को देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक मेटल लिया है जिसके सर्फेस के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, मेरे पास एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स को जब मैं टर्न ऑन करूंगा तो लाइट की जो रेडिएशन है वो मेटल पे फॉल करेंगी, और अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट मैंने यूज़ की है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो फिनोमिनन है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और इसके पीछे का अब हम लॉजिक देखेंगे। लाइट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फोटोन। तो ये जो फोटोन्स होते हैं ये मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं विच कैन बी सीन एज पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जब हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के फोटॉन्स को मेटल पर स्ट्राइक करवाते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। तो एक टाइम पर एक फोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया, फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास चली गई, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है और मेटल के सरफेस को लीव कर देता है। फोटोन जो है इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, तो ये जब फोटोन आया था इट विल बी लॉस्ट। ठीक, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द इलेक्ट्रॉन। फोटोन एब्जॉर्ब होने का मतलब बेसिकली वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहां पर हमें टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रखनी है। तो जो फोटोन की एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को मिल गई। तो टोटल एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटॉन जो है वो कैसे यूज होगी इसको देखते हैं। तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा टू एस्केप द मेटल सरफेस। इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेटल के अंदर जो मेटल का न्यूक्लियाई है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, और उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो एक फोटॉन जब एब्जॉर्ब हुआ था उसमें से कुछ एनर्जी तो यूज हो जाएगी सरफेस को एस्केप करने में, और बची हुई एनर्जी जो है वो आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक फोटॉन की टोटल इनिशियल एनर्जी, उसमें से मेटल के सरफेस को एस्केप करने वाली एनर्जी यूज हो गई जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और बची हुई एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो ये है आपकी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर फाई की टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन कहाँ कहाँ यूज होएगी, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। अब ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन हमें यूज करना है, लेकिन इसको लिखने के कई तरीके पॉसिबल हैं और हमें सारे तरीके क्लियर होने चाहिए, और उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको यूज कर सकते हैं। तो फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी को हम एच न्यू भी लिख सकते हैं। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो भी लाइट की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो हम यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ भी दी हो सकती है, तो हम यूज कर सकते हैं hc बाय लैम्डा, जहां पर c जो है इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸। इसके अलावा एनर्जी, अब यहां पर आप SI यूनिट्स यूज करेंगे, एनर्जी जूल में आएगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सिंपली 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कर सकते हैं। याद रखेंगे वेवलेंथ को किस यूनिट में एक्सप्रेस करना है, एंगस्ट्रम में। तब आप H और C जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यूनिट्स को कन्वर्ट करके, फाइनली ये नंबर आता है।
एग्जैक्ट नंबर होता है 12,438, लेकिन कैलकुलेशंस में हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। हम यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चंस 12,400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रम से आंसर निकाल सकते हैं। अब अगली बात आई वर्क फंक्शन की। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल। तो इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए। अगर इनकमिंग फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इस नंबर से ज्यादा एनर्जी है तो फिर फोटोन इजेक्ट हो जाएगा एंड इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल। तो ये जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी, इसको एच न्यू नॉट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्रिटिकल अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो ये हो जाएगा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जिसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के से कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर आप स्ट्राइक करवाएंगे तो एमिशन नहीं होगा। तो यहां पर एच न्यू नॉट भी वर्क फंक्शन हो गया, इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। लैम्डा नॉट हो जाएगा थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए या फिर वेवलेंथ न्यू लैम्डा नॉट से कम होनी चाहिए, तभी एमिशन होता है। सिमिलरली इसको भी 12,400 बाय लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रम में लिख सकते हैं, तब ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। एक और चीज का आप ध्यान रखेंगे, तीनों टर्म्स या तो जूल्स में रखें या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रखें, यूनिट्स को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों तरफ सेम यूनिट होनी चाहिए इक्वेशन में। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ एम जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एंड वी इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ अ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब इसी कॉन्सेप्ट को, काइनेटिक एनर्जी को, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उतनी ही एनर्जी से आप अगर उसको वापस भेज देंगे तो इट विल गो बैक एंड देयर विल बी नो एमिशन लेफ्ट। तो हम यहाँ पर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से काइनेटिक एनर्जी की टर्म को इक्वेट कर सकते हैं। बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन को उल्टी डायरेक्शन में इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराएंगे तो इट विल गो बैक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। तो वी नॉट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी नॉट को कर देंगे तो एनर्जी के बराबर आ जाएगा, विच विल कैन बी इक्वेटेड इक्वल टू के मैक्स। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्कशन कर रहे हैं तो सीधा वी नॉट की फॉर्म में आप एनर्जी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये ई की टर्म जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये कई तरीके हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन एक ही है, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इन सभी टर्म्स को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में बस आपको यही ध्यान रखना होता है कि कौन सी वाली टर्म रेलेवेंट है उस गिवन इंफॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चंस होते हैं, डेटा दिया होगा, सिंगल इक्वेशन में पुट करके हमारा आंसर आ जाता है। तो अब ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको मैं एक साथ यूज करूंगा और बार बार ये एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन ऑल द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अब क्वेश्चन वन का डिस्कशन शुरू करते हैं। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। तो यहां पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहां पर थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू मैंने पुट कर लिया है। देखिए, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला था ये पूरी डिटेल में मैंने पहले से लिखा हुआ है। इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू इम्पिंजेस ऑन द मेटल प्लेट। तो अब आपकी मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्राइक कर रही है, 2 times द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी जो है वो हमें बतानी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी जब होती है जब मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, टोटल एनर्जी फोटोन की सेम है, तो कम से कम एनर्जी वाला केस अगर आप एमिशन का देखेंगे तो बची हुई एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब हमें यहां पर वैल्यूज प्लग इन करनी है। इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी कि 2 न्यू। वर्क फंक्शन हो जाएगा h इंटू न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2h न्यू है, राइट हैंड साइड h न्यू है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, हमारे पास बचेगा h न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स का स्क्वायर आ जाएगा 2h न्यू बाय m, वी मैक्स हो जाएगा अंडर रूट 2h न्यू बाय m।
बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था ये, ऑप्शन डी जो है दैट वाज द करेक्ट आंसर। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब AIPMT 2014 का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो पहले कुछ एनर्जी रही होगी इंसिडेंट रेडिएशन की और उसके बाद हमने उस एनर्जी को 20% अमाउंट से बढ़ा दिया, तो ओरिजिनल एनर्जी को ई आई ले लेते हैं तो बढ़ी हुई एनर्जी हो जाएगी 1.2 टाइम्स ई आई। तो कोई क्वांटिटी अगर 20% बढ़ जाती है तो वो ओरिजिनल क्वांटिटी की 1.2 टाइम्स हो जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इंसिडेंट एनर्जी अगर बढ़ा देंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ई आई के लिए एनर्जी थी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.2 ई आई की जब हमने इंसिडेंट लाइट यूज की थी तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो गई 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, अब वर्क फंक्शन जो होता है मेटल का वो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक गिवन मेटल के लिए कॉन्स्टेंट होता है। तो आप अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी बट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी हम लेंगे। तो फिर से वही सारे रिजल्ट्स मैंने एक साथ लिख दिए हैं ताकि मैं चूज कर सकूं कि कौन सा रिजल्ट इस क्वेश्चन में ज्यादा यूजफुल है। अब पहली बात, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो वर्क फंक्शन को भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालेंगे और हम मान लेंगे ई आई जो वेरिएबल हमने लिया था, जो टर्म हमें मालूम नहीं थी, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। तो अब इनिशियल केस के लिए भी सेम इक्वेशन लिखेंगे और फाइनल सिचुएशन के लिए भी सेम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो इनिशियली फोटोन की एनर्जी कितनी थी, ई आई, वर्क फंक्शन है मेटल का फाई और काइनेटिक एनर्जी थी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ध्यान दीजिए तीनों टर्म्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं ले रहा हूं, ये हो गई इक्वेशन वन। अब इंसिडेंट एनर्जी हो गई 1.2 ई आई, वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब दोनों इक्वेशंस हैं, इसमें से ई आई को एलिमिनेट करके हमें वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू बतानी है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, सेकेंड इक्वेशन ऊपर रखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे ले आएंगे। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। 1.2 ई आई अपॉन ई आई इज इक्वल टू 5 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.5। ई आई की टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.2 इंटू 5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 0.8। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ऑप्शन बी जो था दैट वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब AIPMT 2015 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने अब तक ऑब्जर्व कर लिया होगा कि हर पेपर में एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जरूर आता है। अ सर्टन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो सरफेस पे इंसिडेंट वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो इस बार फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी देने की बजाय फोटोन की इंसिडेंट वेवलेंथ हमें दी हुई है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट इज 3V0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में 3V0 दी हुई है। तो इस बार हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को यूज करना है। इफ द सेम सरफेस इज इलिमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2λ। तो अब हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा की जगह 2λ ले लिया, ये सेकंड केस हो गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V0। ठीक, तो वेवलेंथ जब बढ़ जाती है तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, एनर्जी जो है इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चूंकि वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो गया। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द गिवन सरफेस इज, तो इस सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी जो कि मेटल के ऊपर डिपेंड करती है। तो फिर से मैं सभी फॉर्मूलाज को आपके सामने एक बार लिख देता हूं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स इस बार हमें यूज करनी है। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर एक मेटल का सरफेस है जहां पर मैंने उसको फोटोन से स्ट्राइक करवाया,
तो फोटॉन्स की अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है या फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक, ये जो प्लेट है इसको एमिटर प्लेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। इसके सामने हम एक और प्लेट रख देते हैं, ये लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में आपने पढ़ा होगा बुक में। सामने वाली प्लेट को हम कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। तो अब चूंकि इंसिडेंट लाइट की वेव आपकी एनर्जी जो थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा थी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी के साथ कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करेंगे। अब इन दोनों प्लेट्स को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम करंट का जो डिस्कशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरी प्लेट के थ्रू करंट की फॉर्म में यहाँ पर फ्लो करेंगे और उससे हम मेजर कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम कैसे स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट की तरफ जा रहे थे। अगर मैं लेफ्ट वाले टर्मिनल को पॉजिटिव कर देता हूँ और राइट वाले टर्मिनल को नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से बैटरी लगा दी, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे जैसे मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊँगा ये इलेक्ट्रॉन्स स्लो होते जाएंगे क्योंकि ये वापस की तरफ उल्टी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे और फाइनली एक ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट पर नहीं पहुँचेंगे, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी जीरो। इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन में पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0 था और फाइनली V0 था। ठीक है, ये V0 जो है ये मैं फॉर्मूले में सिंबल यूज कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन में अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई है जिन्हें हमें इंसर्ट करना है। तो अब एक तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दी हुई है तो EI की जगह मैं यूज करूंगा HC/λ। फिर हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है तो वर्क फंक्शन की जगह मैं यूज करूंगा HC/λ0। और फिर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह EV0 की टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी HC/λ इज इक्वल टू HC/λ0 विच इज द वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये तीनों टर्म्स मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 3V0 सब्स्टिट्यूट करनी थी। दूसरी केस में इंसिडेंट वेवलेंथ को 2λ पुट कर देंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 पुट कर देंगे तो HC/λ की जगह अब 2λ हो गया है और E इंटू 3V0 की जगह E इंटू V0 हो जाएगा। चूंकि मेटल सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन विल रिमेन द सेम। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और उसकी मदद से λ0 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हैं λ0 की वैल्यू λ की फॉर्म में एक्सप्रेस की हुई है। तो λ0 को λ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, V0 वाली टर्म को हमें एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर है टर्म 3EV0, यहां पर है EV0, तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 3 × इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, आई होप आप लोग ये आसानी से सॉल्व कर सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड थी HC/λ, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 3 × HC/2λ, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, HC/λ0 प्लस 3EV0 ये यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 3 टाइम्स HC/λ0 प्लस EV0 ये मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3V0 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, HC/λ माइनस 3/2 HC/λ हो जाएगा माइनस ½ HC/λ, HC/λ0 माइनस 3 HC/λ0 हो जाएगा माइनस 2 HC/λ0। तो यहाँ पे जो माइनस की टर्म है कैंसिल हो जाएगी, HC की टर्म दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी, आप λ0 को इस तरफ ले आएंगे, 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा λ0 इज 4 टाइम्स λ। यहाँ पर ऑप्शंस में मैंने एक मिस्टेक की हुई है, ये ऑप्शंस A, B, C और D हैं, तो आप ये करेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन D जो था 4λ, दैट वाज द करेक्ट आंसर। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।